गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम देखें कि चैप्टर इलेवन एपिलेप्सी एंड एंटी एपिलेप्ट ड्रग्स का पार्ट वन तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज इपिलेप्सी इपिलेप्सी इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो इपिलेप्सी क्या है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जब भी हमारे जो नॉर्मल न्यूरोन्स है इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं और इनके जो नॉर्मल फंक्शन है ये जब अनयूजुअल होने लगते हैं तब हमें ईपिलेप्सी नाम का डिसऑर्डर होता है जिसको कैरेक्टराइज करेंगे हम पैरोक्सिस्मल मीन्स सडन शॉर्ट रिकरेंट पीरियडिक अटैक ऑफ मोटर सेंसरी और साइकोलॉजिकल माल फंक्शन तो इपिलेप्सी कब आता है इपिलेप्सी तब आता है जब हमारे मोटर सेंसरी और साइकोलॉजिकल माल फंक्शन होता है मीन्स मोटर न्यूरॉन्स जो है और सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते या फिर साइकोलॉजिकल माल फंक्शन कोई हमें टेंशन है या फिर कोई सडनली कोई बुरी खबर आ गई है उसके वजह से भी इपिलेप्सी आता है अब ये इपिलेप्सी क्या है नथिंग बट अटैक अटैक जो कि सडनली आता है जिसमें हमारे न्यूरॉन्स जो है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसके वजह से जो एरिया में डिस्टर्बेंस आया है जो एरिया का न्यूरॉन्स से डिस्टर्ब हुआ है स्पेशली ब्रेन में जो है न्यूरॉन्स का जब डिस्टर्बेंस होता है तो हमें इपिलेप्सी होता है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है ये मोटर और सेंसरी और साइकोलॉजिकल माल फंक्शन से तो होता ही है बट ये कनेक्ट है आपके ब्रेन को और हम जो है ये सीरीज़ देख रहे हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सीरीज़ देख रहे हैं तो जब भी मोटर सेंसरी और साइकोलॉजिकल माल फंक्शन होता है तो अल्टीमेटली इससे रिलेटेड जो ब्रेन में जो सेंटर्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं वो भी अनयूजुअली बिहेव करते हैं जिसमें कि आपका मसल्स जो है जो कि वो ब्रेन से कनेक्ट है वाया दिस सेंसरी एंड मोटर नर्व्स वो जो है वो भी अनयूजअली बिहेव करता है समझ लीजिए मेरे हाथ का मूवमेंट्स कोई एक सेंटर है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है कि भाई मैं ग्लास को उठाऊ पानी पिओ ये जो है ये फंक्शन प्रॉपरली करता है बट अगर अचानक से मुझे एपिलेप्सी का अटैक आ जाए तो अचानक से मेरे ये मसल्स जो है हाथ के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा फिर रिलैक्सेशन आएगा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आएगा ये और रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपको कौन से टाइप का अटैक आया है तो ये सडनली आता है डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सा माल फंक्शन हुआ है आइधर मोटर हुआ है सेंसरी हुआ है या फिर आपको एक हाथ कोई साइकोलॉजिकल माल फंक्शन हुआ है द अटैक कॉल्ड एज इपिलेप्टिक सीजर तो जो मैंने अटैक बोला है कि भाई जो कि सडनली आता है ड्यू टू सर्टेन माल फंक्शन विच इज सेंसरी मोटर और साइकोलॉजिकल ये माल फंक्शन के वजह से हमारा ब्रेन जब अनयूजली बिहेव करता है उसे हम बोलते हैं इपिलेप्ट सीजर और उसे बोलते हैं हम इपिलेप्टिक अटैक ठीक है जो कि इनिशिएटेड होता है एबनॉर्मल एंड इरेगुलर डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मिलियंस ऑफ न्यूरॉन इन द ब्रेन तो जैसा मैंने बोला है कि भाई ये मोटर नर्व सेंसरी नर्व और ये साइकोलॉजिकल माल फंक्शन जो है ये टोटली totally रिलेटेड है आपके ब्रेन से तो ब्रेन में एबनॉर्मल एंड इेगुलर डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब होने लगता है फ्रॉम मिलियन न्यूरोन्स तो हमें इपिलेप्टिक सीजर आते हैं जो भी पार्ट को आपका ये अटैक आता है आइदर कॉर्टिकल एरिया में आपका टेम्पोरल लोब में आया है या फिर फ्रंटल लोब में आया है ऑस्टिपेटल में आया है कोई भी लोब में आया है जो भी एरिया में आया है जो कि वेरियस सेंटर को कंट्रोल वेरियस फंक्शन को कंट्रोल करता है जैसा मेरे हैंड्स का मूवमेंट को हो गया आइस को हो गया ईयर्स को हो गया ये कंट्रोल करने का रेस्पिरेशन को हो गया आपका ये कंट्रोल करने का जो भी सेंटर हमारा ब्रेन में है जब भी वो अफेक्ट होता है तो वहाँ के न्यूरॉन्स जो है वो एबनॉर्मली और इरेगुलरली डिस्चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी क्या है नथिंग बट अ जो न्यूरॉन्स है न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स जनरेट होने के बाद जो करंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोल सकते इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही हमारा न्यूरोनल सिस्टम है मीन्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू जो हमारे कम्युनिकेशन होता है उसमें जब प्रॉब्लम आता है तब उसे इपिलेप्टिक सीजर हम बोलते हैं और स्पेशली जो ब्रेन है ब्रेन के जो मिलियंस ऑफ न्यूरोन है उनके इलेक्ट्रिसिटी में अगर प्रॉब्लम हो गया तो ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगता है तो उसे ही बोलते हैं पीरियोडिक डिसरिथ्मिया ऑफ द ब्रेन तो ब्रेन जब अनयूजल बिहेव करता है ड्यू टू इेगुलर डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसे हम बोलते हैं सीज़र और उसे ही हम बोलेंगे इपिलेप्सी क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी देखते हैं तो फर्स्ट आता है जनरलाइज सीजर जनरलाइज सीजर क्या होता है कि भाई ये बोथ साइड ऑफ ब्रेन को अफेक्ट करता है तो हमारा ब्रेन जो है ब्रेन के दोनों साइड को अफेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं जनरलाइज सीजर जनरलाइज सीजर में फर्स्ट वन आता है ग्रैंड माल इपिलेप्सी जिसे हम मेजर इपिलेप्सी भी बोलते हैं और टोनिक, क्लोनिक सीजर्स भी बोलते हैं अब ये टोनिक क्लोनिक सीज़र टोनिक आपका मसल का क्लोनिकोनिकॉडी और कन्वर्जन कन्वर्जन मीन्स जिसमें आपकी बॉडी बॉडी के मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिलैक्स होते हैं रिलैक्स कंडीशन और इसके जब फास्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है जिसके वजह से आपका बॉडी शेकिंग होते हैं उसे क्लोनिक फेस बोलते हैं तो ग्रैंड मालिपिलेप्सी में ये चीज होता है कि भाई आपकी बॉडी जो है इसमें एक जर्क जर्क या फिर आपके मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और स्पाज आता है और इसके अलावा आपकी बॉडी जो है वो पूरी शेक होने लगती है और हिलने लगती है तो इसमें क्या है ये मेजर इपिलेप्सी में सडनली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट को अगर आप देखेंगे इपिलेप्सी का वो सीधा नीचे गिर जाता है ठीक है ड्यू टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉल ऑफ फॉल टू द ग्राउंड उसके अलावा वो रोने लगता है और मसल्स जर्ग और स्पाज जो है वो उसमें होने लगता है तो उसे बोलते हैं हम टोनिक फेस और उसके अलावा बॉडी फिर शेकिंग पोजीशन में जाती है या फिर आ, आपकी बॉडी जो है ये हिलने लगती है उसे बोलते हैं हम क्लोनिक फेस तो ये चीज होता है आपका ग्रैंड माल इपिलेप्सी में जिसे हम मेजर इपिलेप्सी बोलते हैं और टोनिक क्लोनिक सीजर्स भी बोलते हैं उसके बाद से जनरल सीजर में आते हैं जिसमें दोनों ब्रेन के जो पार्ट है वो अफेक्ट होते हैं दोनों साइड का जो ब्रेन है वो अफेक्ट होता है उसमें सेकंड पार्ट आता है पेटिट इपिलेप्सी और अपसेंस सीजर। अब ये पेटिट इपिलेप्सी और सीजर क्या होता है ये ऐसा काइंड ऑफ सीजर है कि भाई ये बहुत ही फ्यू सेकंड्स के लिए आता है इसलिए इसे अपसेंस सीजर बोलते हैं मीन्स ये नहीं के बराबर होता है इसमें क्या होता है रैपिड आई ब्लिंकिंग होती है मीन्स आपकी आंखें जो है ये चालू बंद चालू बंद थोड़ा फास्ट होने लगती है बट फ्यू सेकंड्स के लिए होते हैं या फिर आप एक जगह के एक आ, स्पेस की तरफ थोड़ा देर ऐसा कंटिन्यू देखने लगते हैं तो उसे बोलते हैं पेटिटमाल एपिलेप्सी और सीजर जो कि फ्यू सेकंड्स के लिए होता है उसके बाद आते हैं मायोक्लोनिक टाइप ऑफ एपिलेप्सी इसमें क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट जर्किंग इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी इसमें जो है जो भी आपका ब्रेन का एरिया अफेक्ट हुआ है जैसा समझ लीजिए कोई पार्ट आपके हाथ के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है और वहीं पे वही पार्ट में इपिलेप्टिक अटैक आ गया है वहीं के न्यूरॉन्स जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं और वो डिस्चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी अनयूजअली ठीक है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा वो हाथ जो है हाथ में जर्किंग आएगा जर्किंग मीन्स आपका हाथ जो है जर्क मारेगा झटका मारेगा झटका मारेगा तो उसे बोलते हैं मायोक्लिनिक टाइप ऑफ इपिलेप्सी तो जो भी पार्ट अफेक्ट होगा वो पार्ट को कंट्रोल करने वाले सेंटर जो ब्रेन में है वो पार्ट पे अल्टीमेटली अफेक्ट करेंगे तो जैसा कोई मेरा ब्रेन का पार्ट हाथ के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है और उसमें अगर इपिलेप्टिक अटैक आता है तो मेरा हाथ जो है झटका मारने लग जाएगा बट ये शॉर्ट जर्किंग होगा मीन शॉर्ट पीरियड के लिए होगा तो उसे हम बोलेंगे मायोक्लोनिक टाइप ऑफ इपिलेप्सी अब सेकंड जो क्लास है पहला था जनरल सीजर अब आते हैं हम फोकल सीजर जिसे पार्शियल सीजर भी बोलते हैं तो पहले पार्शियल सीजर ही बोलते थे बट अभी इसे फोकल सीजर बोलते हैं ये फोकल सीजर क्या है आर लोकेटेड इन जस्ट वन एरिया ऑफ द ब्रेन ठीक है ये कोई एरिया जो है आपका ब्रेन का चाहे वो लेफ्ट साइड का ब्रेन हो या राइट right साइड का ब्रेन हो वहाँ पे फोकस करते हैं और वहीं पे अगर न्यूरोनल डिस्चार्ज जो है वो अनयूजल हो जाए और वही एरिया अगर आपका कोई पार्ट को कंट्रोल कर रहा है तो वो पार्ट भी अनयूजअल बिहेव करने लगता है तो जैसा सिंपल फोकल सीजर और माइनर सीजर और जैक्सोनियन इपिलेप्सी ये इसमें आते हैं तो इसमें क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंगल लिम अब ये कन्वर्जन कन्वर्जन जो टर्मिनोलॉजी है ये फर्स्ट टाइम आई है इसके पहले आया है आपका सीजर एंड इपिलेप्सी और सीजर इपिलेप्सी और कन्वर्जन जो एंटी इपीलेप्टिक ड्रग को हम एंटी कन्वर्जन ड्रग भी बोलते हैं तो कन्वर्जन क्या है कन्वर्जन नथिंग बट अ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ठीक है तो अभी जो मेरा लिम का समझ लीजिए लिम्ब का जो मसल्स है ये यह यहाँ पे कन्वर्जन आता है मींस यहाँ लिम्स के जो मसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसे ही हम बोलते हैं कन्वर्जन कन्वर्जन कब बोलते हैं जब रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है जिसके वजह से मेरे जो ये लिम है ये थोड़ा सा मीन्स हिलने लगता है उसे हम कन्वर्जन बोलते हैं ग्रुप ऑफ मसल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉर्टिकल एरिया इन्वॉल्व तो हमारे ब्रेन में जो सबसे आउटर मोस्ट है कॉर्टेक्स है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो भी एरिया है जब वो अफेक्ट होता है बाय एनी अटैक और इपिलेप्टिक अटैक तो वो पार्ट अल्टीमेटली रिएक्ट करता है मीन्स कोई पार्ट मेरे पैर को कंट्रोल कर रहा है और कॉर्टिकल एरिया में मेरे पैर का मूवमेंट का जो पार्ट है जो सेंटर है वो अफेक्ट हो गया वहाँ पे अगर मुझे इपिलेप्ट अटैक आ गया तो अल्टीमेटली मेरे पैर जो है इसमें कन्वर्जन आएगा कन्वर्जन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ माई लेग मसल्स लेग मसल्स के जो है उसमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन फास्ट होने लगेगा जिसके वजह से मेरा पैर ऐसा कंटिन्यूसली शेक होने लगेगा और हिलने लगेगा तो ये चीज़ होता है आपका फोकल सीजर में सिंपल फोकल सीजर में जो कॉर्टिकल एरिया इन्वॉल्व हो रहा है वो एरिया के रिलेटेड वहाँ पे जर्किंग आएगा और कन्वर्जन आएगा उसके बाद आते हैं हम अभी तो सिंपल देख लिया अभी देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर जिसे टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी भी बोलते हैं तो टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी कैन मेक अ पर्सन विथ इपिलेप्सी कंफ्यूज्ड और डेस्ट तो जो पर्सन होता है जब भी उसे ये इपिलेप्टिक अटैक आता है तो वो एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन में रहता है या फिर कुछ क्वेश्चन उससे आप करते हैं तो वो आंसर नहीं दे पाता उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर और टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी द पर्सन विल बी अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन और डायरेक्शन फॉर अप टू अ फ्यू मिनट तो ये फ्यू मिनट्स के लिए उसका माइंड जो है वो ब्लैंक हो जाता है उसको आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसको रिस्पॉन्ड करने को अनेबल होता है एज वेल एज़ उसे अगर आप डायरेक्शन कुछ पूछते हैं क ये डायरेक्शन कौन सा है वो डायरेक्शन कौन सा है तो वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता वो कुछ मिनट के लिए टोटली totally ब्लैंक हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर और टेम्पोर लोब एपिलेप्सी इसके बाद आते हैं हम थर्ड कैटेगरी सेकेंडरी जनरलाइज सीजर अब ये सेकेंडरी जनरलाइज सीजर क्या है ये बिगिन होती है एक पार्ट ऑफ द ब्रेन बट स्प्रेड टू बोथ पार्ट ऑफ ब्रेन तो ये सेकेंडरी जनरलाइज सीजर क्या है नथिंग बट इनिशिएशन ऑफ जनरलाइज सीजर तो फर्स्ट ये कोई पार्ट में ब्रेन में प्रॉब्लम चालू करती है और धीरे 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 पूरे ब्रेन में स्प्रेड होती है और अल्टीमेटली आपको ग्रैंड माइल्ड अटैक और मेजर अटैक आता है ठीक है इसके बाद आते हैं अरिथमिया ये अरिथमिया मोस्टली इन्फंट्स जो होते हैं न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं इनमें होता है इसमें क्या होता है कि भाई जिसे भी हिप्सा अरिथमिया होता है जो भी बच्चे को हिप्स आरथमिया होता है उसमें सिम्टम्स दिखते हैं हेड ड्रॉपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग मीन्स उसका जो हेड के जो मसल्स है ये जो है मसल्स थोड़े वीक होते हैं जिसके वजह से आपका हेड जो है इन्फंट का जो हेड है वो ड्रॉप होता है और इसमें इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइन जो है ये थोड़ा बेंड होता है इसके अलावा मायोक्लोनिक जर्क आते हैं मायोक्लोनिक जर्क हमने देखा है वेरियस पा, बॉडी पार्ट में जर्क आते हैं डिपेंड करता है कौन सा ब्रेन का कॉर्टिकल एरिया अफेक्ट हुआ है आपका इपिलेप्सी से और कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है कौन से ब्रेन के पार्ट में अनइवन न्यूरॉन डिस्चार्ज हो रहा है न्यूरोन का इलेक्ट्रोसिटी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो रहा है तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी व्हाट इज एपिलेप्सी अब जो भी मेरे व्यूअर्स है उनका कमेंट था कि भाई वीडियो शॉर्ट बनाओ तो इसलिए मैं इसे पार्ट पार्ट में बना रहा हूं तो इसमें मैंने सिर्फ व्हाट इज एपिलेप्सी एंड टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी को कवर किया है सो so, आज के लिए इतना ही इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू